ज्योतिबा फूले, इस नाम को हम सब ने सुना है और हम उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार में हुआ जो जाति से माली थे। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर हालात ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया। किसी तरह पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को सुधारने में लगा दिया। उन्होंने दलितों व महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की मांग की। वे समाज में फैली जाति व्यवस्था के विरोधी थे। उन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बिना पंडित के ही विवाह संस्कार प्रारंभ किया, बाल विवाह का विरोध किया और साथ ही विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। समाज को इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का सबसे पहला स्कूल खोला। लोगों में नए विचार, नए चिंतन की शुरुआत हुई। सत्यशोधक समाज की स्थापना के बाद इनके सामाजिक कार्य की सराहना पूरे देश भर में होने लगी। समाज कल्याण और सेवा भाव को देखते हुए उनके अनुयायियों, मित्रों, शुभचिंतकों एवं प्रशंसकों ने मांडवी के कोलीबाड़ा हॉल में 11 मई 1888 में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जहां उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। ये उपाधि विट्ठल राव कृष्णा जी वांडेकर ने ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। वास्तव में फूले ने हाशिए पर खड़े बहुसंख्यक पीड़ित वंचित लोगों को शिक्षा रूपी हथियार देकर उनको मुख्य धारा में शामिल होने योग्य बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।